हेलो एवरीवन, ट्वीन प्रेगनेंसी के 7 मंथ में आपको अपने बच्चों की मूवमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि अब उनके पास उतनी जगह नहीं रहेगी जितनी कि उनके पास पहले थी। और हो सकता है कि 7 मंथ से आपके डॉक्टर आपको ट्वीन्स बेबी की मूवमेंट को काउंट करने के लिए भी बोलें। यदि आपको 7 मंथ से 2 घंटे या फिर 2 घंटे से ज्यादा बच्चों की हलचल महसूस ना हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। ट्वीन प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही से हर वीक्स में आपका वजन लगभग 0.454 केजी से अधिक बढ़ सकता है। सामान्य तौर पर ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान कुल वजन 15 से 25 किलोग्राम के बीच में बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो वजन है वो आपकी प्रेगनेंसी से पहले का जो वजन है उसके आधार पर अलग अलग भी हो सकता है। और इस मंथ से आपको पीठ दर्द और आपको पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है, और इसका रीजन है कि आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिस वजह से आपकी पीठ पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ना शुरू हो जाता है। और आपका पेट ज्यादा बढ़ने की वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो पोस्चर होता है वो भी बदल जाता है, हल्की सी तिरछी टाइप में हो जाती है। आपके पीठ में दर्द और आपके घुटनों में दर्द जो है वो प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन के बढ़ने के कारण भी हो सकता है। आपको प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको लेटने या करवट लेते समय भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, और ये सारे दर्द आपको डिलीवरी तक झेलने ही पड़ेंगे। इनका कोई भी इलाज नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रख सकती हैं, जैसे कि आप जो है कैल्शियम अच्छी मात्रा में लें, एंड इसके साथ ही आप डेली अपने मालिश जरूर करें और पानी अच्छी से अच्छी मात्रा में लें। और आपको सीने में जलन भी हो सकती है। ट्वीन प्रेगनेंसी में आपकी पाचन क्रिया भी धीमी होने लगती है, जिस वजह से आपको सीने में जलन होती है। तीसरी तिमाही में आपका गर्भाशय बहुत ज्यादा फैलता है, जिस वजह से आपके पेट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और ये आपके सीने की जलन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और इस मंथ तक आपके ब्रेस्ट का साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कई बार तो आपको ब्रेस्ट से मिल्क या फिर पीले रंग का कोलेस्ट्रॉल भी निकल सकता है। और आपको इस मंथ से चीजों को भूलने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ट्वीन प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कुछ ही वीक्स में आपके बेबी आने वाले हैं, तो जिस वजह से आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चिंता और तनाव है, इसलिए ऐसा हो जाता है। इस मंथ से अगर आपके हाथों और पैरों और चेहरे पर सूजन रहती है तो डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि यह प्रीक्लेमेप्सिया का भी संकेत हो सकता है। और इसके अलावा आपको हर काम में बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, जैसे कि उठने, बैठने, सोने, लेटने, खाने, पीने, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली इस तिमाही में।